भाई एक और नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। सैमसंग S8 प्लस का ये मॉडल है एज, आप देख सकते हो कर्व डिस्प्ले, ये एज जिसे कहते हैं एज डिस्प्ले। हमारी प्रॉपर एकदम पूरी वर्क कर रही है, आपको दिखा दूं, हैंग हो रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हो, ये देखो डिस्प्ले एकदम प्रॉपर चौकस आ रही है, चौकस जिसे कहते हैं। बाकी इसकी सिर्फ इसका क्या खराब है, जो आप देख रहे हो शीशा, ये साइड में देख रहे हो, ये क्रैक देख रहे हो कैसे आ रहे हैं इसके अंदर, ये एकदम भाई बिल्कुल नया डल के एकदम नया हो जाएगा ये। अगर किसी को भी, अगर आपको अपना फोन ठीक करवाना है या फिर अपना कोई भी डिस्प्ले चेंज करवानी है या आपने काम सीखना है, तो प्लीज़ भाई कॉल करो और मुझे मैसेज करो और मेरे वीडियो को पूरा देखें एंड तक, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, आपको दिखा दूँ। पहले मैंने इसका ग्लास हैज की तरफ से काट लिया है, शुरू करते हैं। आप देख सकते हो ग्लास कटना शुरू हो गया है। इस तरीके से आपने सारे मॉडलों के आपने इसी तरीके से आपने डिस्प्ले काटनी है। आपके पास कोई सा ही फोन हो एज मॉडल में, अगर आप वीडियो को बीच में बंद कर दो तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। देख सकते हैं आपने सेम इसी तरीके से आपने डिस्प्ले काटनी है। अगर आप फिट आप फ्लैट डिस्प्ले बना रहे हो तो आप यकीन करिए आप एज आपके लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। अरे वो बंदा का जो फोन देके गया था, आप थोड़ी ना देखे गए थे फोन? हाँ फोन देके नहीं गया, यही वही देखे चेक कर रहा है, देख सकते हो। एज मॉडल का ग्लास बहुत आसान होता है चेंज करना। अगर आप फ्लैट डिस्प्ले में अगर काम करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए मुश्किल से 4 से 5 दिन की आपकी मैं क्लास लूंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा और आप यकीन करिए आप डिस्प्ले बनाना सीख जाओगे। एज की सारी मॉडल, आईफोन के सारे मॉडल और आई वॉच के सारे मॉडल। जो लोग कहते हैं ना भैया हमारी काटते हो, हमारी फिल्म आ गई, हमारी डिस्प्ले में लाइन आ गई, हमारी डिस्प्ले ब्लैंक हो गई, भैया हमने यहाँ से काटा ऐसे करे ऐसे करे। अरे सिम डाली होगी ना? अरे सिम तो मैंने पहले डाल दी थी। तो फिर क्या कर दिया, बटन पे दबाव पर रह गया होगा। देखो भाई बस आपने सावधानी आपने अपने हाथों से दिखानी है, जहाँ ज़्यादा टूटा वहाँ ज़्यादा जोर जबरदस्ती करनी नहीं है इसके साथ। भाई यकीन मानिए अगर आपसे डिस्प्ले ख़राब हो रही है, आपसे डिस्प्ले ख़राब होना बंद हो जाएंगे। दे रहे हैं चेक हो रहा है, ग्लास मेरा मोस्टली बाहर आ गया। अच्छा वो दिया था देखिए दोस्तों ग्लास कट गया है मेरा, बैटरी फूल गई इसकी, इसको इस तरीके से मशीन से हम साफ कर लेंगे। आ भाई सिम डाली है, सिम आ डाली हुई है, तरीके से मैंने डिस्प्ले को साफ कर लिया। ये बटन नहीं काम कर रहा था।
कौन सा क्या कौन सा बटन कर तो रहा था, थोड़ा तेज काम करता है वो, खचाड़ा फोन था कभी ओकर बोर्ड बना दिया। ये कट दे कहाँ लग गया है डिस्प्ले के ऊपर, दिख रहा है देखो अरे वीडियो देखनी चली मेरे तुम आने आपके मम्मी क्या हो गया तेरे फोन में सारे फोन जो हमारे पास आपको डिस्प्ले मिल जाएगी आईफोन से लेके आईफोन 6 चल रहा है इतने मिनट चल जाते हैं मिनट में भाई सारा थिनर का कमाल है। जिस तरीके से मैं डिस्प्ले बाहर निकाल रहा हूँ आप भी कह रहे हो कैसे भाई ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए थिनर बहुत बढ़िया है, आप यूज करो। 1 लीटर या आधा लीटर मंगवा के देखो, आपको कुरियर के जरिए मैं भेज दूँगा। देखो डिस्प्ले में बाहर आ गई है, देख सकते हैं डिस्प्ले मेरी बाहर आ गई है। ये सैमसंग एसेट प्लस का मॉडल है, इसको भी नहीं नहीं ये खोलो ना वाह कुर्सी नहीं लेगा तो बैठ जाएगा वाह बेटे वाह मैं काट रहा नहीं आता नहीं आता नेट आता 250 वाले में 270 वाले में देखिए दोस्तों डिस्प्ले एकदम क्लीन हो गई नहीं आता क्या हो गया भाई 1G मिलता हूँ तो वैसे खत्म हो जाता है। अरे फोन चल रहा है भाई चेक करके ले पूरे महीने में 1 GB चलता ये जो भाई तेरी मैंने ना इतनी सारी चीजें फ्री में ठीक कर दी है ना तो सोच भी नहीं सकता ठीक है तो एक तो तुम्हारी बैटरी हो जाएगी बिल्कुल हाँ तो फिर इसका फिर बटन डलवा नहीं या तो फिर बॉडी डलवा फिर बटन भरता ही कर दो ना बन ही नहीं होगा स्विच ऑफ हो जाएगा ये ले थोड़ा टाइट दबा चलेगा बटन वो पहले कौन सा अच्छा था साली बैटरी से ले गए साला पत्ता स्पीकर चार्जिंग जैक सब कुछ चला दिया देख कितने रहा है 1500 रुपए मैं चल कोई नहीं गरीब बंदा है मैं कर देता हूँ मैं तो ये सोच के परेशान ये देखो ठीक है ओके रोबोट डिस्प्ले सैमसंग एसेट प्लस बाबू एसेट प्लस का गिलास दे दो फटाफट भाई ऐसे बनाओ डिस्प्ले आप एक काम करो रिचार्ज कर दूं 270 का होता ना भैया 1 GB रोज का दो मिनट भाई अभी फिर थोड़ी देर
चलो भाई क्लीन होगी डिस्प्ले, थोड़ा और साफ कर देता हूँ उसको। शैडो से अच्छा क्लीनिंग का ध्यान रखें। जय श्री श्याम। दे रहा भाई 2 मिनट। चल रहा है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसकी IC से प्रॉब्लम है। जैक तो मैंने उसके अंदर 2-3 लगा दिए हैं। रुको थोड़ी देर आपके काम कर रहा हूँ। नहीं है बबल नहीं है डिस्प्ले में, एक बबल, बबल भी करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। यही सारी ट्रिक करते हैं आपको, किसी भाई को अगर लगता है डॉट है गलत चीज करने में तो यही सारी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। क्या हुआ Mm-hmm.
लगी हुई है। चक्कर बोर्ड है ना भाइयों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें अपने अपने ग्रुप में। धन्यवाद। जय माता दी।